हेलो, नमस्कार दोस्तों। 5 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेनली चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भाई अगर ये चारों देश एक साथ मिलकर आ जाएं तो एशिया वाला क्षेत्र, एशिया का जो क्षेत्र है वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में पॉपुलरिटी है उसकी दुती बोलेगी। एक तरीके से अगर चारों देश एक साथ आ रहे हैं तो ये पूरे एशिया के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं और इससे पूरे एशिया को फायदा होगा। इवन ऐसी बात नहीं कि इनको फायदा नहीं होगा, इनको तो फायदा होना ही होना है और बाकी एशिया की और भी कंट्रीज हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा है वो इससे होने वाला है। अदरवाइज अभी हालात क्या हो रहे हैं कि ये देश आपस में ही लड़ रहे हैं जिसकी वजह से जो फायदा है वो बाकी वर्ल्ड की और अदर कंट्रीज हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इसका फायदा है वो उठा रही हैं। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि जो आपसे लड़ाई है ना इसमें तीन रीजनों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक सेकंड, हम थोड़ा एक सेकंड इस चीज़ को हम थोड़ा मैप से क्लियर करते हैं ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये आप देख सकते हो कि जो एशिया वाला मैप है या साउथ एशिया का जो मैप आप देखोगे मेनली, तो उसमें एक कंट्री तो आती है इंडिया आती है यहाँ पे, एक पाकिस्तान आती है यहाँ पे, इसके साथ बांग्लादेश। अगर ये तीनों कंट्रीज भी एक साथ मिलकर आ जाए ना तो भी इस वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। देखो एक आर्टिकल 3 4 दिन पहले भी आया था, एक्चुअली 2 तारीख को जो आर्टिकल था मंडे को, वो आया था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। तो उस आर्टिकल में भी 2 4 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली उस आर्टिकल में ही 2 पॉइंट्स है। उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि पाकिस्तान और अगर इंडिया दोनों के रिलेशन इंप्रूव होते हैं ना तो इस चीज से जो फायदा है वो पाकिस्तान को ज्यादा होगा इंडिया की बजाय। फायदा कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो मेनली आज के टाइम पे जो भी रिलेशन इंप्रूव होते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है इकोनॉमिक रिलेशन या ट्रेड से। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते हैं और ट्रेड रिलेशन बढ़ते हैं तो आपको पता है कि इंडिया तो हमेशा अफगानिस्तान के साथ तो ट्रेड चाहते जाता है। अब आप एक चीज देख सको, अगर इंडिया को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो अगर वो पाकिस्तान के रास्ते से होगा तो इंडिया के लिए भी ईजी होगा। अदरवाइज इंडिया इधर चाबहार पोर्ट से ईरान से होते हो जाएगा तो इंडिया को ऐसे घूम के जाना पड़ेगा तो वो इंडिया के लिए काफी कॉस्टली हो जाता है। बाकी इधर से डायरेक्टली जाएगा तो इंडिया को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रेवेन्यू हासिल होगा। और एक तरीके से उसमें यह भी बताया गया था कि देखो अगर इंडिया कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अगर जैसे यूरोप के साथ ही देख लो, अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन इंप्रूव करना चाहेगा, ट्रेड वगैरह बढ़ाना चाहेगा तो उसके साथ होगा, उसके साथ होगा ये क्या कि जो ही इंडिया से ट्रेड उस साइड होगा तो वो पाकिस्तान के रास्ते से होगा क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ जाता है। मतलब पाकिस्तान की लोकेशन ही ऐसी इतनी अच्छी है, इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है पाकिस्तान की कि उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट पाकिस्तान के जो भी ब्यूरोक्रेट्स या जो भी वहाँ की पॉलिसी मेकर है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई अगर हमारे जो रिलेशन अगर इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं तो उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं हो रहा, उसका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। अगर वहीं पर रिलेशन इंप्रूव हो जाते हैं तो पाकिस्तान को काफ़ी रिवेन्यू हासिल होगा, पाकिस्तान में डेवलपमेंट आएगी, ग्रोथ होगी, गरीबी है वो भी दूर जाएगी, तो ऑल ओवर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वही बात यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान की लोकेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों भी इस वाले क्षेत्र में आ जाए तो जो सार्क की जो बाकी मेनली 5 कंट्रीज बचती है ना, क्योंकि सार्क में 8 कंट्रीज हैं, तो बाकी जो 5 कंट्रीज हैं नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह, ये जो कंट्रीज होती है म्यांमार नहीं, ये कंट्रीज क्या होंगी, इनमें फायदा हो जाएगा कि ये तो कंट्रीज फालतू में इतना आपस में इनकी चक्कर में फंसी हुई है। मतलब अगर ये तीनों बड़ी कंट्रीज ढंग से रिलेशन इंप्रूव करके चलती हैं, तीनों आपस में शांति स्थापित करके चलती हैं तो इसका ऑल ओवर फायदा वो साउथ एशिया को तो होने ही होने वाला है। और अगर इनके साथ देखा जाए तो अगर यहाँ चाइना वहाँ से भी अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर इस वाले क्षेत्र में और भी फायदा होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ, इनके तो एक तो ओरिजिन ही इनका सेम है, स्टार्टिंग में तो थे ही एक ही कंट्री थे। इसके बाद इनके कल्चर भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, यहाँ पे लैंग्वेज है उसमें भी काफ़ी समानता है। तो हम ऑल ओवर बात कहें कि इस वाले क्षेत्र में तो इतनी लड़ाइयाँ हैं ही नहीं, बस इन्होंने आपस में इतना बखेड़ा वो खड़ा कर रखा है। अगर तीनों कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं तो उसका फायदा तीनों कंट्रीज के साथ साथ पूरे एशिया को होने वाला है और उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी टक्कर मिलेगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो भूटान हुआ, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका और अफगानिस्तान, जो बाकी 5 कंट्रीज़ हैं सार्क वाली, ये 5 कंट्री तो फालतू में इन तीनों के चक्कर में रही है, इनका तो कोई इतना है ही नहीं लड़ाई आपस में। इनकी लड़ाई तो इनके मेन 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसकी वजह से लड़ाइयां बढ़ रही हैं। तो मेन बात देखो यहाँ पे इस राइटर के द्वारा ये फोकस किया जा रहा कि देखो आपसी जो ट्रेड है ना, जो आसियान नहीं सॉरी जो सार्क कंट्रीज हैं, जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड बहुत कम है, मतलब आपस में ट्रेड तो ना के बराबर है, केवल बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरतमंद की थी उसकी चीज का ट्रेड है वो किया जा रहा है। जबकि तीनों के दूरस्थ रिश्ते हैं काफी दूर दूर है, मतलब इंडिया के दूरस्थ रिश्तों का मतलब इंडिया के रिलेशन है, ट्रेड वगैरह है वो रशिया के साथ काफी अच्छा होता है, इवन इसराइल के साथ काफी अच्छा होता है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, जापान के साथ भी काफी अच्छा ट्रेड होता है, यूएसए के साथ भी काफी अच्छा ट्रेड होता है। बट देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड बहुत कम है, इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड बहुत कम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ट्रेड बहुत कम है। तो मतलब आपस में जो ट्रेड है आसियान के जो सार कंट्रीज इनका, इनका ट्रेड बहुत कम है और इसकी वजह से इन कंट्रीज को नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते हैं और इनका ट्रेड रिलेशन बढ़ता है तो उसका फायदा होगा कि यहाँ पे टूरिज्म पे भी लगाम लगे, क्योंकि देखो डेवलपमेंट आएगा तो टूरिज्म जैसी चीजें वो
अपने आप पीछे रह जाएंगी। इसके बाद थोड़ा डाटा भी ये दिया गया है कि जो अगर साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया की 95% जो जीडीपी है ना वो ये तीन कंट्री कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सी? इंडिया हो गया यहाँ पे, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान। ये तीनों कंट्रीज साउथ एशिया की 95% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। और देखा जाए तो ऑल ओवर या ग्लोबल वर्ल्ड का देखा जाए तो ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ और जो ये बांग्लादेश हुआ, ये तीनों 18.5% ऑल ओवर की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वर्ल्ड की 41% जो पॉपुलेशन है उसको ये तीनों रिप्रेजेंट है वो करते हैं। मतलब ऑल ओवर बात देखो यही है कि ये कंट्रीज बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन रखती हैं। बस एक चीज़ की जरूरत हो है कि आपसी तालमेल, अगर ये कंट्रीज आपस में तालमेल बैठा लेती हैं, चाइना साथ आ जाता है तो सोने में सुहागा यहाँ पे हो सकता है। बात यहाँ पे की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बस पाकिस्तान को सिर्फ कदम उठाने की जरूरत है और इंडिया को भी इस चीज की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान की जैसे हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी लोकेशन है पाकिस्तान की कि अगर इंडिया को अगर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन इंप्रूव करना है या ट्रेड करना है तो पाकिस्तान के रास्ते से होगा। अगर पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो मोटा पैसा मिलेगा, तो ऑल ओवर पाकिस्तान को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद में डिस्कस किया जाता है कि बीसीआईएम के बारे में। बीसीआईएम क्या है? बांग्लादेश चाइना इंडिया और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बीसीआई के बारे में जो मैप है एक बार वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है बीसीआईएम कॉरिडोर, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे इंडिया में कोलकाता से स्टार्ट होता है मेनली और ये चाइना के कुनमिंग जो प्रांत है उस वाले एरिया को कनेक्ट करता है। तो अगर इस देखो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया अगर इस एरिया में डेवलपमेंट करना है तो ये जो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है और इनको साथ आना भी चाहिए और इसलिए इस वाले क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इन कंट्रीज़ की कि अगर ये साथ मिलकर आते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा तो यहाँ पर ट्रेड रिलेशन भी बढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन वो बढ़ेंगे, इसके साथ वर्ल्ड की जो बाकी और कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। तो ऑल ओवर इस चीज का फायदा है वो इन सभी कंट्रीज को होने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए तो आसियान जो कंट्रीज है नीचे देखा जाए तो म्यांमार जो लाओस कंबोडिया कंट्रीज है इनको भी इस चीज का फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट आएगी तो जो इस्लामिक स्टेट या जो यहाँ पे एक तरीके संकीर्ण सोच की जो भी मेंटेबिलिटी है किसी भी धर्म में वो भी दूर होगी अपने आप, तो उसका भी बेनिफिट इन स्टेट को होने वाला है। इसके साथ ही आगे डिस्कस किया जाता है वो क्या जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कि देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक अलग बात है कि इंडिया की सोवरेनिटी का इश्यू है, बट अगर उस सोवरेनिटी के इश्यू को अगर आप एक साइड में रखो तो उसके अलावा भी इंडिया को इससे बहुत फायदा हो सकता है। अगर देखो हमें सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी चाहिए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और चाबहार पोर्ट का भी एक तरीके से विकल्प है क्योंकि अगर इंडिया को जैसा अभी हमने डिस्कस किया था अगर जैसे ये इंडिया और यहाँ पे अफगानिस्तान, अगर इंडिया को अफगानिस्तान जाता है अफगानिस्तान जाना होता तो एक तो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू सीधे जा सकता है, दूसरा ऑप्शन ही होता है कि इंडिया वैसे ओशन के थ्रू एक तरह ईरान जाए फिर ईरान से घूम के ऐसे जाए, तो अगर ईरान से घूमते हुए जाएगा तो काफ़ी लंबा रूट होगा और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मतलब इतना जो कॉस्ट इफिशियंट कॉस्ट वाली बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इंडिया को भी इस चीज़ से फायदा नहीं होगा और बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान को भी इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऑल ओवर बात ये की जा रही थी कि इस वाले क्षेत्र में अगर चाबहार पोर्ट का विकल्प देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक तरह से स्टेबिलिटी वो लेके आनी होगी। इसके बाद में देखो लास्ट में एक बात बहुत अच्छी है की जाती है कि देखो इन कंट्रीज के बीच में जो भी इश्यूज है, इंडिया हुआ पाकिस्तान चाइना हुआ, इनके बीच में सबसे बड़ा अगर सोल्यूशन है वो एक ही है कि केवल और केवल बातचीत। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, तो हमें बातचीत के ऊपर फोकस करते हुए दिशा में कदम उठाने चाहिए और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं सभी कंट्रीज के उनको भी एक तरीके से काफ़ी सोच समझ के डिसीजन वो लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेडिकल इस्लाम के प्रति वो काफ़ी अपनी संकीर्ण सोच रखते हुए ऐसे डिसीजन लें जिससे कि उनके देश को शॉर्ट टर्म फायदा हो लॉन्ग टर्म काफ़ी नुकसान हो रहा हो। और अभी यही हो रहा है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट के थ्रू कंसिडर करते हुए बनाई जाती है, तो उसके होता है कि काफी संकीर्ण पॉलिसीज होती हैं, तो उससे ऑल ओवर क्या होता है पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में तो फायदा दिखता है कि हाँ भाई हम इंडिया में अटैक कर रहे हैं ये करें टेररिज्म को फैला रहे हैं तो इसको फायदा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में उन्हें ये नहीं पता कि भाई आपका ट्रेड में आप बहुत सारा एक तरह पीछे पिछड़ रहे हो और ट्रेड के ऊपर भी आपको फोकस है वो करना है। इसके बाद में बात की जाती है कि देखो जो गंगा हुई सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र रिवर हुई इनकी वाटर सप्लाई भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये तीनों ही रिवर हैं, ये एक्चुअली ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब तीनों ही एक दूसरे की कंट्री से बहती हैं। गंगा रिवर आपको पता है कि मैली तिब्बत वाले एरिया से वहां से निकलती हुई इंडिया में आते फ्लो करती है, इसके बाद बांग्लादेश में भी जाती है तो वो आप पॉइंट देख सकते हो। इसके बाद में बात आती है सिंधु रिवर की, जो इंडस रिवर है वो आपको पता है कि
मतलब चाइना का एक ऑटोनोमस प्रांत है तिब्बत, उस वाले एरिया से निकलती हुई फिर इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान जाते हैं, तो ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गई। ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी आपने हमने लोकेशन डिस्कस किया। तो मतलब तीनों ही रिवर की लोकेशन वो ऐसी है कि तीनों ही कंट्रीज के बीच में जो चारों कंट्रीज के बीच में लोकेशन काफी तरीके से सर्वाइव करती है। और अगर यहाँ पे चारों कंट्रीज एक साथ मिलकर आती हैं तो यहाँ पे जो पानी के क्राइसिस हो रहे हैं अभी रिसेंटली या फ्यूचर में जो और ज्यादा क्राइसिस आने वाले हैं उनसे भी निपटाया जा सकता है। अब अगर देखो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु रिवर को लेकर कोई भी एग्रीमेंट अगर प्रॉपर ढंग से होता है या प्रॉपर ढंग से दोनों दोनों पानी का यूटिलाइज करते हैं तो सिंधु रिवर में बहुत पानी है, उसको अगर प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो दोनों ही कंट्रीज में जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। बात की जाए ब्रह्मपुत्र रिवर की, कि अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को अगर प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तीनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें चाइना आ गया, बांग्लादेश आ गया और इंडिया, तो भी इन तीनों स्टेट को बहुत फायदा होगा और जो पानी के फ्यूचर में क्राइसिस आने वाले हैं उनसे भी तीनों है वो निजात पा सकते हैं। ऐसे ही गंगा रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक तरह से काफी ज्यादा रास्ता वो प्रोवाइड करवा सकती है, ट्रेड भी इस पे बढ़ेगा और जो इकोनॉमी है वो भी दोनों कंट्रीज की और ट्रैक पे आ जाएगी। तो ऑल ओवर बातें की जा रही है कि देखो स्कोप बहुत सारे हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट हमें उनको प्रॉपर ढंग में रियल रूप में इंप्लीमेंट है वो करना है। इसके बाद में बात की जाती है कि एयर कनेक्टिविटी, कि देखो चारों कंट्रीज हैं इनके बीच में एयर कनेक्टिविटी भी नाम मात्र की है, केवल केवल जरूरत की चीज़ों के लिए एयर कनेक्टिविटी है, बाकी ज़्यादा रिलेशन इंप्रूव करने के लिए एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है। इसके बाद में बात आती है कि जो स्टूडेंट हैं वो भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ही ज़्यादा फोकस करते हैं, आपस में जो ये कंट्रीज हैं चारों कंट्रीज हैं इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनके जो स्टूडेंट वो आपसी कंट्रीज में कम जाते हैं जबकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न ही है कि चारों कंट्रीज में आपस में ही लड़ाई है, इसलिए स्टूडेंट वो एक दूसरे कंट्रीज में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आपस में कनेक्टिविटी स्थापित होती है और आपस में रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो स्टूडेंट आपस की कंट्रीज के जो आपसी तालमेल है वो बैठाएंगे और एक दूसरे की कंट्रीज में जाकर रिलेशन वगैरह वो भी इंप्रूव होंगे और उनको काफी अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी मिलेगा। तो ये था जो कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, काफी अच्छे पॉइंट्स थे तो इसलिए इस आर्टिकल को हमने काफी ब्रीफली वो डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया वो है स्पीकर के बारे में, कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। देखो सबसे पहले बात इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है वो की गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है ये आप चलो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये नॉमिनी जो विपक्षी दल है वो लेके आता है, कौन लेके आता है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये मेनली तब लाया जाता है जब जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसका बहुमत सिद्ध करने के लिए कि भाई ये पार्टी बहुमत में है या नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि पार्टी गठबंधन बना के अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी गठबंधन बना के अगर अपनी सरकार बनाती है तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भाई इस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, ये फालतू में रह रही है, तो उस कंडीशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि भाई जो पार्टी सत्ता में है वो बहुमत में है या नहीं है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होती है कि भाई 50 सदस्य हैं वो लिखित में अनुमति दें कि हाँ भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया जाए और उसके बाद स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई लाना है नहीं लाना। तो ये सारा काम इसमें किया जाता है। ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन जो यूपीएससी हमें प्रीलिम्स में पूछ सकती है। अब देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन के फायदे क्या होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होता है कि इसमें विपक्षी दल ना वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, क्योंकि विपक्षी दल अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सत्ता में रह सके। तो विपक्षी दल स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब क्या होगा कि जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई जाएंगी, जो भी डिबेट होगी पार्लियामेंट में वो काफी ज्यादा तरीके से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डिबेट होगी। तो अगर आपको पता है कि किसी भी पॉलिसी या किसी भी बिल पर ज्यादा ढंग से एक तरीके से आपस में बातचीत होगी, आपस में जो भी तालमेल आपस में जो भी किसी भी तरीके की बातचीत वगैरह की जाएगी, बिल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा कि बिल बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और जो भी कानून है उसकी कमियां वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखो जितना ज्यादा डिस्कशन होता है बिल वगैरह पे तो उसमें जो भी कमियां होती हैं वो दूर की जा सकती हैं। क्योंकि देखो बात ऐसी नहीं है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है कई बार क्या कहती है वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को देखते हुए बिल को पास करवा देती है। तो अगर जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी तो विपक्षी दल भी कुछ अच्छे पॉइंट बताएगा तो उन पॉइंट को भी वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑल ओवर फायदा है वो सभी को होने वाला है। बस एक चीज आप यहाँ पे प्रीलिम्स के जैसे ये ध्यान रखना कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। ये आप ध्यान रखना, ये यूपीएससी की बार पूछ सकती है और कई बार कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है कि केवल और केवल लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे राइटर का ये कहना था कि भाई जो हमारे स्पीकर साहब है ना वो एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन को पारित करना ही नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि ये पारित ही ना हो। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी तक हमारे देश में ऐसा नहीं कि पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात है, आजादी के टाइम से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के लाने की बात थी। उस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाने की कोशिश की गई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री बाद में प्रधानमंत्री बने थे उनके खिलाफ भी लाने की कोशिश की गई थी, बट वैसा सक्सेसफुली नहीं हुआ था। तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखो बात ऐसी है, अगर आपको रियलिटी में बताऊं कि अभी जो आंध्र प्रदेश की जो पार्टी थी उस पार्टी ने आपको पता कि बीजेपी के साथ जो अलायंस था उसको तोड़ दिया था, तो इसीलिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब वो चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए
जाए और एक तरीके से जो भी अभी सत्तारूढ़ पार्टी मतलब बीजेपी है उसको थोड़ा दबाया जाए ताकि वो उनकी पॉलिसी वगैरह उन सबको मान जाए। तो मेनली इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था। ये सारा कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये ध्यान रखना कि 50 सदस्यों की मिनिमम जरूरत होती है तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया जा सकता है। अभी देखो हो क्या रहा था, अभी हो ये रहा था कि जो स्पीकर है वो 50 सदस्यों को काउंट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतनी ज्यादा बहस हो रही थी आपस में, एक तरीके से इतनी लड़ाई सी हो रही थी एक तरीके की अंदर संसद में पार्लियामेंट में कि स्पीकर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि भाई 50 सदस्य है या नहीं है पक्ष में। तो इसलिए काफी बड़ा इश्यू वो आ रहा था। खैर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है इसराइल के बारे में। तो देखो इसराइल का जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें वो एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वाले एरिया में मैपिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूपीएससी बेसिकली यहीं पर क्वेश्चन वगैरह भी प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन पूछती ही रहती है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा मैप है वो देख लेते हैं हम अच्छे से। ये देखो यहाँ पे बात आती है, ये है इसराइल का सारा मैप आप देख सकते हो यहाँ पे। ये इसराइल में इधर वेस्ट साइड है तो इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक और ये यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप और जो ये वेस्ट बैंक है इन दोनों को मिला के पेलेस्टीन बोला जाता है। एक तो चीज़ आप ये ध्यान रखना। तो इस मैप को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हमने मैपिंग के जो वीडियो डिस्कशन किए थे दिसंबर के टाइम पे वहाँ पे भी इनको अच्छे से क्लियर हो क्या था। तो जो गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पे वेस्ट बैंक है इन दोनों को मिला के फलस्तीन कंट्री कहा जाता है और इन दोनों के बीच में एक विवादित सिटी थी जेरूसलम, जिसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प वहाँ से उन्होंने कहा था कि जो जेरूसलम है वो इसराइल की कैपिटल है जबकि विवादित सिटी थी। अदरवाइज जो बाकी वर्ल्ड की और कंट्रीज हैं वो तेल अवीव, ये जो किताब देख रहे हो तेल अवीव, इसको एक्चुअली इसराइल की कैपिटल है वो मानते हैं। तो ये सारा कंटेक्स्ट था माजरा था वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम चलते हैं आगे आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि जो ये गाजा स्ट्रिप है ना इसमें एक्चुअली जो लोग रूल करते हैं यहाँ पे जो भी रूल है वो एक्चुअली एक आतंकी संगठन है जिसको बोलते हैं हमास, जिसको एक्चुअली काफी संकीर्ण नैरो थिंकिंग है उसकी और वो क्या कहते हैं काफी मतलब इस्लामिक जो एरिया है या इस्लामिक जो नजरिया है उसको काफी संकीर्ण नजरिए से देखते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उनकी सोच काफी अजीब है जिसकी वजह से यहाँ पे इनको आतंकी संगठन घोषित किया गया और ये लोग बार बार अटैक करते रहते हैं। जो गाजा स्ट्रिप में जो रूल करते हैं उनको बोला जाता है हमास और जो वेस्ट बैंक में जो लोग रूल करते हैं जो वहाँ पे सत्ता या जो वहाँ पे लीडर है उनको एक्चुअली बोला जाता है फतेह। और जो यहाँ पे जो लोग काम रूल करते हैं फतेह वाले ये एक्चुअली थोड़े मॉडर्न टाइप के हैं, तो ये भी एक्चुअली इस्लामिक से रिलेटेड बिलोंग करते हैं बट ये थोड़े मॉडर्न थिंकिंग के हैं और ये एक्चुअली आजकल वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को एक्चुअली थोड़ा कंसिडर है वो करते आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है जबकि इन दोनों को मिला के ही फलस्तीन है वो कहा जाता है। तो ये था यहाँ पे पॉइंट्स। अब देखो बात ऐसी है कि इसराइल की आपको पता है कि यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इसराइल और यूएसए की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे इसे नहीं आता है कि जब भी इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कोई भी एक तरीके से प्रस्ताव आता है कि भाई इसराइल यहाँ पे मनमानी कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेट वगैरह कुछ भी लगा रहा है, तो उस कंडीशन में यूएसए इसराइल का सपोर्ट करता है। आपको पता है कि यूएसए है वो P5 कंट्रीज में आता है और एक्चुअली जो सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट है 5 P5 वाली उसमें यूएसए शामिल है, तो इसलिए यूएसए इसराइल का सपोर्ट करता है। तो ऑल ओवर इसराइल के खिलाफ कोई भी कॉन्फिडेंस कोई भी मोशन वगैरह यहाँ पे पास वो नहीं हो पाता यूएन में। अब आरोप क्या लगता है यहाँ पे फिर रिसेंटली वापस आरोप यही लगता है कि भाई गाजा स्ट्रिप की देखो आप देख सकते हो कि लैंडलॉक्ड है, एक साइड तो इसके इजिप्ट है और एक साइड यहाँ पे देखा जाए तो नहीं लैंडलॉक तो नहीं बोल सकते सॉरी आप, कि एक साइड तो इसके मेडिटेरेनियन सी है और एक साइड इसके इजिप्ट है और एक साइड इसके है इसराइल। इसराइल से तो यहाँ पे जो भी गुड्स की सप्लाई वो ना के बराबर होती है, इसराइल बार बार यहाँ पे ब्लॉकेट लगा देता है। क्यों? वो कहता है कि भाई गाजा स्ट्रिप में तो जो लोग यहाँ पे हमास लोग जो रूल करते हैं वो काफ़ी आतंकी संगठन है, तो मतलब हम यहाँ पे सप्लाई करें तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई हम हमास लोगों को सपोर्ट करें जबकि हम आतंकी संगठनों को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इजिप्ट है वो भी एक्चुअली इसराइल के कहने पर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह वो नहीं करता है। और बात की जाए तो एक मेडिटेरियन सी वाला रास्ता बचा है, तो सी वाले रास्ते से ट्रेड इतना कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये सी वाले रास्ते से कोई भी ट्रेड वगैरह कर सके। तो ऑल ओवर इश्यू है कि गाजा स्ट्रिप वो बार बार आरोप लगाता है मतलब इसराइल पे कि भाई वहाँ पे सामान वगैरह की सप्लाई वो नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से बार बार मामला वो यूएन में जाता है और यूएन में यूएस है वो एक्चुअली इसराइल के खिलाफ वीटो का वो यूज कर लेता है और मामला सेटलमेंट कर देता है। तो ये सारा इश्यू था। अब लोकेशन प्लीज बहुत देख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे इजिप्ट का एरिया है वो हमने देख लिया, इसको सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाते हैं ये लोकेशन वाले को, और ये एक्चुअली यहाँ पे जो इजिप्ट का मेन एरिया जिसे मिस्र कंट्री कहते हैं वो इधर वाला एरिया है। यहाँ पे जो गोलान हाइट्स हैं ये एक्चुअली पहले तो मेनली इसराइल ने कैप्चर कर रखी थी, सीरिया के अंदर आती थी, इसके बाद में ये यहाँ पे जॉर्डन कंट्री है, जो जॉर्डन है वो यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, इसका मेडिटेरियन सी वो कोई फेस वगैरह नहीं करते हैं। तो ये लोकेशन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल सागर और जो डेड सी है उसकी लोकेशन बताना कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कैंपा फंड के बारे में। जो कैंपा फंड है उसके बारे में राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई जो कैंपा आया था मैनली एफोरेस्टेशन फंड बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इस
में एक्चुअली लगभग 50,000 करोड़ के आसपास पैसा है वो इकट्ठा हो चुका है। और ये पैसा किस काम में यूज आना है, ये पैसा आना है एक्चुअली एफोरेशन मतलब फॉरेस्ट को लगाने के लिए। ये फंड इसलिए बनाया गया था, जो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है, अगर इस वाले एरिया में यहाँ पे किसी भी रीजन में या कोई पॉइंट आ गया कि भाई यहाँ इस वाले एरिया में कंपनी लगानी है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगानी है, तो इस वाले एरिया में अगर फैक्ट्री लगाई जाएगी तो यहाँ पे पेड़ों को काटा जाएगा। तो उन पेड़ों को अगर काटा जा रहा है तो यहाँ पे जितने पेड़ कट रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो मुआवजा, कुछ ना कुछ तो पैसे है ना, मतलब जितना पैसा बनता है वो एक्चुअली इस कैंपा फंड में जमा करवा दिया जाएगा उस कंपनी के द्वारा। फिर उस पैसे का यूज करते हुए किसी दूसरे एरिया में, जैसे कि ये कोई दूसरा एरिया यहाँ के अंदर इतनी ही मात्रा में फॉरेस्ट वगैरह वो लगा दिए जाएंगे, मतलब फॉरेस्ट को एक जगह से काट दिया तो दूसरी जगह उतना ही फॉरेस्ट है वो लगाया जा सके। इसके लिए कैंपा बिल है वो आया था, कैंपा एक्ट है वो बनाया गया था। बट राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कैंपा फंड है ना, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रावधान किया गया ना वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप एक बात ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहीं से आप डिस्कस कर लीजिए कि ये मान लो, मान लो कि वेस्टर्न घाट का एरिया है ये वाला, अगर वेस्टर्न घाट के एरिया में किसी भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, अगर इतने वाले इतने फॉरेस्ट को वहां से काट दिया गया और उसके बाद अगर उस फॉरेस्ट को आप दूसरी जगह लगा रहे हो, या मान लो अगर आप नॉर्थ इंडिया में उस फॉरेस्ट को लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको नॉर्थ इंडिया में अगर आप फॉरेस्ट लगा रहे हो तो आपको नॉर्थ इंडिया की क्वालिटी के फॉरेस्ट को लगाना होगा, तो इससे नुकसान क्या हुआ, जो बायोडाइवर्सिटी उसको तो नुकसान हो रहा है ना। वो अलग बात है कि आपने पेड़ तो लगा दिए, बट नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जबकि वेस्टर्न घाट में काफी बारिश वाले पेड़ होते हैं, तो आप ऐसा मानता तो होगी ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी का तो नुकसान हो ही रहा है ना। तो ये इसलिए बिल, इनका एक कहना है राइटर के द्वारा कि भाई इस बिल में ऐसे काफी कुछ कमी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ऐसी एक कमी है वो काउंट की गई है। दूसरी बात ये की जाती है कि देखो इस वाले एरिया में, जैसे ये मान लो वापस इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है और इस वाले एरिया में अगर फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर काफी ऐसी ट्राइब है हमारे देश की जो उस वाले एरिया में ही रहते हैं, एक्चुअली पर्टिकुलर फॉरेस्ट वाले एरिया में। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट काटे जा रहा है और यहाँ पे जो ट्राइब रह रही है, उस ट्राइब का क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो ट्राइब भी नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, भाई वो तो वहाँ से बिलोंग करती है तो शिफ्ट ही नहीं हो पाएगी। तो अगर उस ट्राइब को आप वहाँ से रिमूव हटा रहे हो तो वो भी कहना है तो गलत ही है ना। तो इसलिए इस चीज़ का, इस बिल का मैंने वो विरोध किया जा रहा है कि भाई जो कैंपा एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट के द्वारा जो फंड बना था इसमें काफी कुछ कमी है, तो गवर्नमेंट को इस कैंपा बिल में भी एक्चुअली प्रावधान है वो चेंजेस करने होंगे, तभी इसका प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट हो किया जा सकेगा। तो बेसिकली इसके बारे में जो 2-4 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।